रेसिपी बनाने के लिए हमने एक बर्तन पे पानी चढ़ा दिया, इसके नीचे पानी है, जो पानी गर्म हो रहा है। ऊपर से हम तीन बर्तन पे अंडे डाल दिए, दो एक एक। अब इसको हम स्टीम कर लेते हैं। देखिए ढक्कन लगा देते हैं, सॉरी ये ढक्कन से नहीं हो रहा, इसको हम नीचे में डालते हैं। हम इस तरह अंडे बॉईल कर लेते हैं कि पेनेयर में डाल दिए हैं, क्योंकि एक स्टैंड पे नहीं हो रही थी। अब दूसरे पे डाल देते हैं। अब इसका कवर कर देते हैं, देखिए इस तरह। फ्रेंड्स हमारी अंडे कितनी अच्छी बॉईल हो चुकी है। अब इसको ठंडा होने के लिए इसी तरह छोड़ देते हैं। ठंडा होने के बाद इसे हम कटोरे से निकालेंगे। अभी चलिए एक करी रेसिपी आपको बना के दिखाते हैं। रेसिपी बनाने के लिए हमने कढ़ाई में दो टसन सरसों का ऑयल डाले हैं, दो मीडियम साइज़ के प्याज काटे हैं छोटे छोटे टुकड़े में, इसको फ्राई कर लेते हैं। प्याज को फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए हमने अंडे को साइड से निकाल लिए हैं छुरी की मदद से, देख सकते हैं इस तरह से फ्राई हो गई। इस पर हम मसाले डाल देते हैं। हम लहसुन और अदरक और टमाटर पीस लिए हैं, वो डाल देते हैं। सभी को अच्छी तरह से रोस्ट कर लेते हैं, फिर इस पर हम मसाले डालेंगे। फिर हम हल्के पानी डालें, हल्के पानी डाल के इसको फ्राई कर लेते हैं। 5 मिनट फिर लहसुन को और लहसुन मिर्च सॉरी लहसुन अदरक टमाटर को 5 मिनट तक इसी तरह फ्राई कर लेते हैं। इसमें हल्दी पाउडर डाल देते हैं, इसमें हम गुंडी मिर्च डालते हैं 1/2 टीस्पून, गुलकी पाउडर, धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर। हम मसाले को मिक्स कर लेते हैं, इसी तरह से चला लेते हैं। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं। नमक डालने के बाद हम 5 मिनट तक चला लेते हैं। इसमें हल्के पानी डाल के मसाले को हम फ्राई कर लेते हैं। अरे देखिए मसाले में उबाल आने लगी है, इसमें हम थोड़ा MDH के कश्मीरी मिर्च डाले हैं। मसाले देखिए फ्राई हो चुके हैं, तेल है जो ऊपर तक दिखने लगी, यानी कि मसाले फ्राई हो चुके हैं। अगर आपके मसाले में तेल ऊपर से छलकने लगे तो समझ लीजिए आपके मसाले जो अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब इसके हम पानी डाल देते हैं। इसमें हम पानी डाल दिए हैं, पानी ज़्यादा नहीं डालते हैं। आ चुकी थी हम, देखिए दो अंडे डाल चुके हैं, तीसरे अंडे डाल के दिखाते हैं आप लोग को। अंडे डाल दिए हैं, देखिए अंडे में कितनी अच्छी उबाल आ रही है। हो चुकी है, इस पर हम ऊपर से धनिया पत्ती डाल देते हैं टेस्ट बढ़ाने के लिए। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारी अंडे करी कितनी टेस्टी लग रही है। करी रेसिपी खाने के लिए तैयार है, गर्मा गर्म देख सकते हैं कितनी टेस्टी लाजवाब बनी है।